आपके पास कोई राजनीतिक दल तो आए होंगे ना कि भाई कि भैया आप चुनाव लड़ो कौशलेंद्र, हम हमारे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ो, कहा कि नहीं, सच बताइए। वो जहाँ तक सर राजनीति की बात है और जिसकी भी बात है, तो हमारा देश एक लोकतंत्र है और मेरा यकीन मानिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें नीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर नीति नहीं बनी होती कि सैटेलाइट टेलीविज़न लाया जाएगा इंडिया में, तो नहीं, वो तो नीति तो नहीं बनी थी तब सर, तो हम तो जबरदस्ती ले आए। हाँ, तो इसका मतलब एक ये हुआ जो सर से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो सपना है जो करना है उसको कर दिया, उसके लिए नीति बनवाएं। हाँ, यस, ये हुआ और यही शायद आपने किया ना। यस सर, कि जब सब्जी के वाले करने किसानों के लिए कोई नीति नहीं थी, आपने सबको संगठित किया तो सरकार ने उठ के उनके लिए एक नीति बनाई। हम उनके लिए नीति बनाई जिसको नाम है NVUIC, नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर करके उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया सब कुछ। और जब युवाओं से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, सर मैं खुद भी यूथ हूँ, तो हमेशा से हमारी रहती है कि जब उद्यमिता की अभी बात आई है तो बिहार में जब भी हम लोग वेंचर कैपिटल स्टार्टअप की बात करते थे तो नीति निर्धारकों को आधी बात समझ में नहीं आती थी कि वेंचर होता क्या होता है, क्या है वेंचर सबसे पहले। और उससे भी मजेदार बात जो एक वाक्य बिना नाम लिए बताना चाहूँगा, एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े सज्जन हैं, मंत्री रह चुके हैं विभाग के ही, हम लोगों ने कहा सर हम लोग बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से आए हैं, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो दो मिनट तक तो पहले देखते रहे कि यार तुम 32 साल में कहते हो स्टेट प्रेसिडेंट हो, ये तो अजीब बात कर रहे हो यार। क्या बात है। उसके बाद जो पहला चीज उन्होंने बोला कि कौशलेंद्र जी ऐसा आप कीजिए कि बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के जगह बिहार बिजनेस एसोसिएशन कर दीजिए। हाँ। मैंने बोला सर क्यों? क्यों? तो सर एंटरप्रेन्योर का जो प्रोनाउंसिएशन है बड़ा ही दिक्कत कर रहा है। उसका उसका इंटरप्रेट उसको कह ही नहीं सकते हम। हाँ, 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 जी। कुछ लोगों ने स्टार्टअप को शटअप बोल दिया। तो इन सारी बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सर ने बात उठाई कि अगर हम बदलाव चाहते हैं, अगर हम बदलना चाहते हैं, अगर हम विकास चाहते हैं, तो हमें आदमी भी चाहिए होगा जो हमारी आपकी बात समझे। अब जो सेटअप स्टार्टअप को सेटअप कर दे रहा है तो हम सेटअप ही होंगे, हमें स्टार्टअप नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बहुत अच्छे बात। हमारे पेरेंट्स सपना देखते हैं हमारे बारे में कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग करेगा, MBA करेगा, तब हमें बचपन से ललक जगती है, तब हमें वो आग जगती है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें इस कॉलेज में जाना है, यहाँ जाना है। उसी तरह कोई भी देश कोई भी राज्य का माँ बाप कौन होता है? जो नीति निर्धारक है। तो अब अगर नीति निर्धारक में वो विजन और सपना नहीं रहेगा तो हमारी हालत क्या होगी वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये बात सही है आपकी कि जब जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं वही नीति निर्धारक हैं, वो अगर ये समझ ही नहीं पाएंगे कि स्टार्टअप में और शटअप में क्या अंतर है और एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या अंतर है, तो भगवान ही मालिक है। अब कौशलेंद्र से कुछ लोग सवाल पूछना चाहेंगे। कुछ मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेट किया इंडिया के लिए वर्क करने के लिए? क्योंकि MBA के बाद डेफिनेटली आपको बहुत सारे मौके मिले होंगे विदेशी कंपनी में काम करने के लिए। आई ऑलवेज से दिस, आई एम ए बिहारी, आई एम नॉट एन इंडियन, आई एम ए बिहारी। मेरा बस एक ही सपना है बिहार का विकास करना। और लेकिन देखिए, अगर ये बात सही है आपने कही, अगर बिहार का विकास कर लेंगे तो भारत का विकास तो अपने आप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहने की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल जी, इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA कॉलेज आए अहमदाबाद हो, दोनों जगह पे आज भी लोग वहाँ जाकर के आप कहेंगे बिहारी तो उनके दिमाग में आता है कौशलेंद्र। कहीं मुझे नाम से नहीं पुकारा गया, मैंने खुद को भी इसी तरह से प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया कि आए मैं बिहारी, कुछ भी हो जाए जो मेरा एक्सेंट है मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप लोग अपनी इंग्लिश चेंज कर लो, मेरा इंग्लिश तो जी यही रहेगा। तो एक जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं बिहार में, हम लोग सब मूवी देखते हैं राइट,
हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, हॉलीवुड की चिकनी सड़कें देखते हैं, मैट्रिक्स देखते हैं, इतना टेक्नोलॉजी काम करता है। तो जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरे यहाँ क्यों नहीं है। आपको अपने गांव का यही दिखता था। हाँ, हम ये अपने यहाँ कैसे कर सकते हैं, ये मेरे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। और ये बताते हुए आज खुशी हो रही है आप लोग के सामने कि पिछले 3-4 साल का मेहनत का फल है सर। हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी मूवियों का एडिटिंग जो होता है पटना में होता है आजकल। वेरी गुड। वो एंटरप्रेन्योर्स पटना में आकर के अपनी कंपनी खोल चुके हैं जहाँ एडिटिंग होती है, जो आप देख रहे हैं आजकल VFX का, वो होती है। तो हम कर सकते हैं। मैं हमेशा से मानता हूँ जिसको लेकर के घर में होती है लड़ाई, मैं अपने फादर को कह देता हूँ, पापा आपका मेरे पे बहुत ही कम अधिकार है। तो बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? पहले बचपन में मैंने गांव के स्कूल में पढ़ाई किया, वो भी सरकारी था। फिर नवोदय में चला गया, वो भी सरकारी था। फिर साइंस कॉलेज चला गया, वो भी सरकारी था। इंजीनियरिंग भी सरकारी था, आए अहमदाबाद भी सरकारी था। तो मेरे पे अधिकार तो सरकार का है। और सरकार मतलब लोकतंत्र में सरकार पब्लिक हो गई, तो पब्लिक का अधिकार है, तो मैं तो पब्लिक के लिए ही काम करूंगा। बहुत अच्छी सोच है, वेरी गुड। और क्या प्रश्न है, और क्या प्रश्न? 18 साल की उम्र में हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन घर में ये डिसाइड करने को नहीं मिलता कि बेटा आप करना क्या चाहते हो, इंजीनियरिंग करना या ये मेडिकल करना। सर 18 साल की उम्र में देश का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। और सर, आप अपने अपने माता पिता को, अपने परिवार को आपको भरोसा दिलाना चाहिए कि आप में सक्षमता है। देखिए आज भी मेरा बेटा 40 वर्ष का हो गया, लेकिन मुझे फिर भी वो लगता है कि बच्चा है, गलती करेगा। उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना मुझे भरोसा दिला सके कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है। और कुछ कई बार ऐसी डिप्लोमेसी भी आपको खेलनी पड़ती है। सर मेरा सवाल थॉट्स लेन सर से, सर आपके पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन क्या था, आई मीन फॉर रिएक्शन, जब आपने आर्म से डिग्री लेने के बाद आप सब्जी वाले बन गए। जनरली हमारे सोसाइटी में पीयर प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने सिचुएशन को डील कैसे किया? कभी कभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अच्छा। न्यूज़ चैनल वालों ने, सारे लोगों ने फरवरी में ही चला दिया था, फरवरी 2007 में ही, कि कौशलेंद्र हैं आई एम अहमदाबाद के टॉपर, वो नौकरी नहीं ले रहे हैं और वो सब्जी का काम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन घर में सैटेलाइट टीवी थी नहीं। हाँ, नहीं था। उसका लाभ मिल गया आपको। वो इस बात पे मैं कहूँगा आपको, मुझे यहाँ के बिहार के एक राजनेता ने कहा कि देखो मैंने अपने कार्यकाल में बिहार के गांव में बिजली पहुंचाई, कुछ गांव में बिजली पहुंचाई, और उसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। मैं कह, वो कैसे हुआ भाई साहब, नाम नहीं लेंगे अब। तो उन्होंने कहा वो इसलिए हुआ कि जब गांव में बिजली पहुंचा दी तो टेलीविजन पहुंच गया, और टेलीविजन पे आपने सब नरेंद्र मोदी सब दिखाया। और आई एम रियली ओ माई लाइफ टू माई मदर एंड वॉट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ माई मदर। सी डिड नॉट से सिंगल सेंटेंस अगेंस्ट मी। उन्होंने बोला कि अच्छा तुमको उद्यमी बनना है, सब्जी बेचना है, ठीक है करो, उसमें लेकिन सबसे अच्छा सब्जी वाला बन जाना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और प्रश्न लेंगे, आखिरी प्रश्न कौशलेंद्र से। ये काम तो आप ऐसे भी कर सकते थे विदाउट गोइंग टू IIM, अगर आप में विजन है। सर आप तो IIM नहीं गए थे और यू आर वर्ल्ड फेम पर्सनैलिटी। BTech के स्टूडेंट जो MBA के लिए एस्पायर कर रहे हैं फॉर मनी और फॉर एनी रीजन, ये 4 साल अगर वो लड़के आए जो रियली टेक्नोलॉजी को समझते हो, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के साथ जीना चाहते हो, they can do better. 4.4 million you are saying brain drain, it is internal brain drain. From technology to management. We are not committed towards our work, our job. ये भी सर इस कारण है कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 3-5 साल अपना प्रोडक्टिव ईयर 6x8 के कमरे में बिता देते हैं तैयारी के नाम पे। हमारा सारा प्रोडक्टिविटी, सारा दिमाग तो वहाँ खत्म हो जाता है। जैसे ही जॉब मिलता है बस एक वो सपना रहता है, जो लड़का है किसी तरह 10-20 लाख दहेज ले लेना है, जो लड़की है उसका कोई और सपना है। इस सपने से रगड़ दूर ना होगा।
ये सपने से रगड़ दूर नहीं हो सकता है। जब तक सपना हमारा ये नहीं होगा कि हम बैंक पीओ क्यों करना चाहते हैं, कि भैया हम बैंक पीओ करना चाहते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ बैंकर, लेकिन सपना जहाँ ये है कि बैंक पीओ मुझे ये करना है कि मुझे 20 लाख दहेज लेना है, तो रगड़ तो रहना ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। कौशलेंद्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, आपने सबको, मुझे बहुत सीखने को मिला है।